विश्वास ये केवल शब्द नहीं, ये वो नींव है जिस पर मनुष्य का जीवन टिका हुआ है। किंतु आज या तो हम किसी पर अविश्वास करते हैं या फिर किसी पर अंधविश्वास, दोनों ही परिस्थितियां घातक होती हैं। क्योंकि जहां अविश्वास हमारे मन में भय और असुरक्षा को जन्म देता है, वहीं अंधविश्वास आक्रोश को। तो प्रश्न ये उठता है कि विश्वास की परिभाषा क्या है। विश्वास की परिभाषा जाननी है तो अपने मन से पूछिए। पहले स्वयं पर विश्वास कीजिए कि आप इस संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, और ये विश्वास आपको अपनी शक्ति का ज्ञान करवाएगा, और शक्ति अपने उत्तरदायित्व का, और फिर अपने आप लक्ष्य मिल जाएगा, मार्ग मिल जाएगा। ये माया महल है वासुदेव, अद्भुत भद्र विश्वकर्मा, बहुत ही सुंदर भवन है। मैंने सोचा देवी पांचाली के मनोरंजन के लिए कुछ विशेष प्रयास कर लूं। यहां जो जैसा दिखाई दे रहा है वो वैसा कदापि नहीं है। गुप्तचरों से सूचना प्राप्त हुई कि पांडव राज्य सूय यज्ञ करने वाले हैं, और आप भी वहां जाएंगे। यद्यपि कृष्ण के मित्र मेरे स्वाभाविक शत्रु हैं, परंतु पिता के आदेश के कारण जाना होगा। तो कुछ ऐसा कीजिए ना कि आपके स्वाभाविक शत्रुओं का प्रयोजन विफल हो जाए। नीति कहती है कि यज्ञ में निमंत्रित अतिथि का अतिथेय द्वारा अपमान हो जाए तो यज्ञ भंग हो जाता है। शिशुपाल, ये तो अत्यंत सरल कार्य है। गांधार नरेश, आपने तो वो कार्य बता दिया जिसमें मुझे सर्वाधिक आनंद की अनुभूति होती है। अपमान अद्भुत ना सका, जहां जल दिखता है वहां भूमि है, और जहां भूमि दिखती है वहां जल। सखा, आप मेरे हाथ पर क्रोधित तो नहीं है ना? सखा हूं, क्रोधित कैसे हो सकता हूं? परंतु कदाचित कोई और क्रोधित ना हो जाए।
प्रणिपात माधव, निमंत्रण भेजे जाने के लिए प्रस्तुत थे। तो पहला निमंत्रण हस्तिनापुर जाएगा। क्या हुआ पार्थ, कुछ व्यथित दिखाई देते हो? हाँ माधव, शंका है कि क्या दुर्योधन यहां आना स्वीकार करेगा। उसे तो हमारी उन्नति तनिक भी नहीं सुहाती, और यदि वो यहां नहीं आया तो माता कुंती यहां अकेली कैसे आएंगी? प्रयास करना हमारा कर्म है पार, और ये कर्म बिना परिणाम सोचे करना होगा। कदाचित फल हमारे हित में हो। मैं हस्तिनापुर निमंत्रण स्वयं लेकर जाऊंगा, क्योंकि केवल माता कुंती को नहीं, तुम्हारे कुछ और संबंधियों को भी यहां लेकर आना है। शिशुपाल खड़े हैं। तो छह दिन नरेश, तुम भी जान लो कि तुम अंगराज कर्ण के सामने खड़े हो। तो तुम हो अंगराज कर्ण? दान में बंजर भूमि क्या मिल गई? स्वयं को राजा समझ बैठा। भूल गए कि सूत का काम रथ की बागडोर संभालना है, राज्य की नहीं। लगता है घर पर वचन देकर आए हो कि जीवित नहीं लौटोगे। अरे मित्रकण, ये शिशुपाल, ये मेरे अतिथि हैं और मेरे मित्र भी, और इस नाते से आप दोनों भी मित्र ही हुए। मेरा केवल एक ही मित्र है और वो हो तुम, और तुम्हारे अतिरिक्त किसी को मित्र बनाना होगा तो इस बार चयन में सावधानी बरतूंगा। अपने अतिथि को अतिथि की मर्यादा में रहने की चेतावनी अवश्य दे देना मित्र।
आओ अंगराज, तुम्हारे ही प्रतीक्षा थी। क्षमा कीजिए वासुदेव, मुझे ज्ञात नहीं था कि आप भी यहां हैं। कोई समस्या नहीं मित्र, बहुत कुछ है जो अब तक सबको ज्ञात नहीं, परंतु अब सबको ज्ञात होगा। मैं वासुदेव कृष्ण इस सभा में उपस्थित समस्त जनों को अपनी और राजा युधिष्ठिर की ओर से प्रणाम करता हूं और उनकी ओर से आप सबको निमंत्रण देता हूं। कैसा निमंत्रण वासुदेव? अपनों को निमंत्रण आनंदो उत्सव के लिए ही दिया जाता है महाराज। आपने हस्तिनापुर का एक भाग खांडव प्रस्थ पांडवों को दिया और उन्होंने अपने परिश्रम और योग्यता से उसे महान इंद्रप्रस्थ में परिवर्तित कर दिया। और अब इंद्रप्रस्थ एक प्रसन्न और स्वतंत्र देश है और युधिष्ठिर भी उस पर न्याय और धर्म पूर्वक शासन चला रहे हैं। मैं हस्तिनापुर को बधाई देना चाहता हूं कि धर्मराज राजसूय यज्ञ संपन्न करके चक्रवर्ती होने जा रहे हैं और उन्होंने सादर आप सबको इस यज्ञ के आयोजन में निमंत्रित किया है। आपके प्रति उनके आदर का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने किसी दूत के स्थान पर स्वयं मुझसे आग्रह किया कि मैं आप सबको ये निमंत्रण दूं। वासुदेव, यह जानकर प्रसन्नता हुई कि पांडव पुत्रों ने बंजर भूमि को इंद्रप्रस्थ बना दिया। महाराज, इस समारोह में हमारा सम्मिलित होना आवश्यक है। कुरुवंश की संतान चक्रवर्ती सम्राट बने, यह हमारे लिए गर्व की बात है। ये कुरु परिवार के लिए अवश्य गर्व की बात है ताचरी, परंतु हस्तिनापुर यदि इस यज्ञ में सम्मिलित हुआ तो क्या यह राजनीतिक रूप से उनकी अधीनता मानने के समान नहीं होगा? मुझे आश्चर्य है महाराज, आपके मन में यह विचार आया कैसे? पांडव भी आपके अपने पुत्रों के समान हैं। फिर हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ एक दूसरे से भिन्न कैसे हुए? पांडव सदा आपका परिवार रहेंगे और आप सदा उनके ज्येष्ठ पिताश्री, जिनकी माता ने परिवार के मान के लिए इंद्रप्रस्थ में नहीं अपितु हस्तिनापुर में रहना श्रेयस्कर समझा, वो पांडव आपको अपने अधीन बनाने का विचार अपने मन में कैसे ला सकते हैं? फिर भी निर्णय आपका है। आप चाहें तो पांडवों को अपना मानकर उन्हें आशीर्वाद दे सकते हैं। या फिर वहां अनुपस्थित होकर ये दर्शा सकते हैं कि हस्तिनापुर पांडवों के वैभव से ईर्ष्या रखने लगा है। तुम्हारा क्या मत है विदुर? मेरा मत है कि यज्ञ में जाना उचित होगा।
पांडव हमारे शत्रु नहीं है और यदि हस्तिनापुर इस यज्ञ में सम्मिलित नहीं होता है तो चारों तरफ यह संदेश जाएगा कि हस्तिनापुर से पांडवों की उन्नति देखी नहीं गई। और यदि किसी कारणवश राजा किसी आयोजन में सम्मिलित होना अपने पद की गरिमा के अनुकूल नहीं समझते तो युवराज को भेज सकते हैं। यदि ताचरी और विदुर का यही सुझाव है तो हस्तिनापुर उस समारोह में अवश्य सम्मिलित होगा। क्या हुआ अंगराज? प्रतीत होता है कि आपको इसमें कोई आपत्ति है। निमंत्रण आपके लिए भी है। नहीं वासुदेव, मैं उस यज्ञ में भाग लेना उचित नहीं समझता। कारण? एक नहीं तीन कारण हैं। पहला, मैं युधिष्ठिर को सम्राट पद के योग्य ही नहीं समझता। दूसरा, मेरी दृष्टि में युधिष्ठिर युवराज दुर्योधन से उत्तम शासक नहीं है। नियमों में बंद कर प्रजा पर शासन नहीं करते हैं, अपितु प्रजा के लिए नियम बनाते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे मित्र के राज्य में फिर से किसी शोन के मुख में पिघला हुआ स्वर्ण केवल इसलिए नहीं भरा जाएगा कि उसने एक सूत होकर वेद पाठ करने का साहस किया। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण, मैं धर्मराज के परिवार का सदस्य भी नहीं। जिसे मैं सम्राट पद के योग्य नहीं समझता, मैं उसे उस पद की बधाई देने नहीं जा सकता। क्षमा कीजिए केशव, कि मैं आपके इस निमंत्रण को अस्वीकार कर रहा हूं।